सर्वांगी श्रोताओं नमस्कार। कोसिंदर वर्षी पाल का तम मन चाहा राग सुनो, तम मन चाहा राग सुनो, दादा रिसाल लश्करी की संगीत में मीठी लाग सुनो। प्रेमी दोस्तों, वीर विक्रमाजीत और भट्टियारी, और भट्टियारी का इकलौता बेटा इंदरमन खड़े हुए हैं, तो किस तरह से राजा के सामने भट्टियारी कह रहे हैं। अरे सासू ननंद जेठानी को ना बेटे पैदन तोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा दे धूप खड़ी कर जोड़ू सू, धूप खड़ी कर जोड़ू सू। सासू ननंद जठानी को ना बेटे पैदन तोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा ले भूप खड़ी कर जोड़ू सू, भूप खड़ी कर जोड़ू सू। न मोड़ू सू, मेरे बेटे की जान
बचा दे धूप खड़ी कर जोड़ू सू धूप खड़ी कर जोड़ू सू के सामने प्रार्थना करती है कि मुझे एक दिन की मौलियत मिल जानी चाहिए। मेहरबानो, लड़के ने जैसे ही यह बात सुनी इंद्रमन ने तो कहा, मां तू कैसी बात करती है, ये दुनिया आनी जानी है, इस संसार में कोई अमर नहीं आया। मेहरबानों, किस तरह से समझाने लगे मां, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े दानी, धनधारी तीरंदाज इस दुनिया से चले गए, जो इस संसार के नामी महापुरुष थे वो इस दुनिया में ना रहे, तू मेरी मौलियत मांगती है, किस तरह से कहने लगे।
अन्यायी हो उड़े जी के कारना से
कहानी चल रही थी तो वीर विक्रमादित्य ने राजा श्यामधाम से कहा, महाराज क्या इंद्रमन के बदले कोई और शख्स
आपकी राजदुलारी के कमरे में जा सकता है? मेहरबानों, राजा ने जवाब दिया, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। इंद्रमन की जिंदगी भी बच जाएगी और इसकी मां का धैर्य भी नहीं टूटेगा, मां को सबर मिल जाएगा। फिर क्या था, अब तो वीर विक्रमाजीत को रतन कौर के कमरे में भेज दिया गया। मेहरबानों, रात का समय हो गया, उस लड़की को जो बीमारी थी उसके पेट में जिंदा सर्प था, जो उसके साथ रहता रात में सर्प उसी मानस को डस लेता था। क्षत्रिय वीर विक्रमाजीत तलवार लेकर के बैठ गए। रतन कौर को नींद आई और वो सर्प देवता निकल के मानस की खुशबू लेके और विक्रमाजीत की ओर चल दिया। फिर क्या था, बहादुर ने उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कुछ समय के बाद लड़की की नींद खुल गई तो वीर विक्रमाजीत दुशाला उड़े हुए सो रहे थे। साथियों, लड़की ने जब ये दृश्य देखा तो किस तरह से दुशाला खींचने लगी, सुनिए आगे बोल। कद की रुके देरी ओ मुद्दत की बेमार पड़ी तन जान बचा ली मेरी जान बचा ली मेरी सोवनिया जाग बटे मत कद की रुके बचाली मेरी जान बचाली मेरी।
प्रेमी दोस्तों, जब रतन कौर ने वीर विक्रमाजीत से अपनी बीमारी कटने का और उसकी मर्दमी का जिक्र कराया और न्यू कहने लगी कि मैं तेरी गैल शादी करना चाहती हूं, तो दोस्तों वीर विक्रमाजीत आज मस्खरी करने लगे। रतन कौर, मैं 3 रोज का भूखा हूं, रोटी पानी का तो ख्याल नहीं करा और ब्याह के जिक्रे में फंस गई, मैं तेरे काबिल नहीं। और यूं कहने लगे, thank you।
अरे बैठा हो के बूझण लाग्या रतन कौर गोरी किसने पति बनावे से क्यों बावली होई बैठा हो कबूझण लगा रतन कौर गोरी किसने पति बनावे से क्यों बावली होरी काट दिया
अच्छी कर दी हरी दर्द काट दिया अच्छी कर दी तू राजा की छोरी। किसने पति बनावे से क्यों बावली होरी। शादी रतन कौर के साथ हो गई। साथियों वीर विक्रमाजीत और रतन कौर दोनों दामोल नगरी में घूमने के लिए चल दिए तो वीर विक्रमाजीत ने क्या देखा कि सामने एक पीले रंग का महल था जिस पर एक खूबसूरत लड़की अपने सुनहरे बाल सुखा रही थी जिसका नाम खंडेराम परी था। मेहरबानों खंडेराम परी के खूबसूरत चेहरे ने आज विक्रमाजीत के दिल को जीत लिया। हैरान रह गए आश्चर्य से देख रहे थे तो परी ने कह दिया ए मुसाफिर तेरे जैसे लाखों यहां पर आए लेकिन उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी। अब तो वीर विक्रमाजीत लौट के आ गए और अपनी धर्मपत्नी रतन कौर से कही कि ये सामने पीले रंग का मकान किसका है। तो रतन कौर ने बताया महाराज ये नथुराम राजपूत का मकान है और ये लड़की किसकी है। ये लड़की इसका नाम खंडेराम परी है ये नथुराम की शहजादी है। कहने लगे इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए। तो दोस्तों रतन कौर ने अपने पिता श्यामधाम से कहा अब तो खंडेराम परी के पिता नथुराम को बुलवाया और नथुराम ने अपनी साहबजादी खंडेराम परी को बुलवाया। मेहरबानों जब ये ब्याह का जिक्र शुरू हुआ तो खंडेराम परी ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं अगर वो कबूल हो अगर वो मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूं।
अरे मेरी गैलिया ब्याह करवाना धाका पेल नहीं से सोला शरत पुगानी होगी सोला शरत पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से मेरी गैलिया ब्याह करवाना धक्का पेल नहीं से
सारी शर्तें वीर विक्रमाजीत ने मंजूर करी और शादी हो गई। दोस्तों, दिन में एक बार आया करती और फिर 2400 घंटे दर्शन नहीं होते थे। विक्रमाजीत ने सोचा औरत की जात है, आखिर जिंदगी कैसे निर्वाह हो रही है समझ में नहीं आता, जवान उम्र है। मेहरबानों, चार आदमी चार दूत पीछा करने के लिए विक्रमाजीत ने लगा दिए। खंडेराम परी तो तनख्वाह लिया करती थी इंदर के अखाड़े में, और दोस्तों नाच कराया करती थी। चार दूतों ने देखा कि खंडेराम परी के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं और शानदार नृत्य कला कर रही है। मेहरबानों, दूतों ने बताया विक्रमाजीत को, इंदर के अखाड़े में हमने खंडेराम परी को नाचते हुए देखा है। खंडेराम परी के इस हाल को सुनकर के विक्रमाजीत ने कहा, भाइयों क्या मुझे भी ले सकते हो इंदर के खड़े में? दोस्तों, अब तो विक्रमाजीत अगन बोट में बैठ के चले गए। कौन हार की बात कि उस दिन इंदर के खड़े में तबले वाला नहीं था। मौका मिल गया जब सभा शुरू होने से पहले विसर्जित होने वाली थी, तो कहा कि एक तबलची के ऊपर क्या सभा भंग हो रही है? तबला तो मैं भी बजा लिया करता हूं। फिर क्या था, आज तो तबला बजाने के लिए बैठ गए विक्रमाजीत। दोस्तों,
गजब कर दिया। और जब नाचने और गाने में मजा आ गया तो सभी देवताओं ने खंडेराम परी के ऊपर वार फेर करनी शुरू कर दी। कहीं सोने की अंगूठी, कहीं शिव की भभूती, कहीं सोने की माला। खत्म हो गया खेल और वहां से विक्रमाजीत सभी सामान को लेकर घर आ गए। रतन कौर से बताया कि जब खंडेराम पर यहां आए तो मुझे जगाना शुरू कर देना और मैं न्यू कहूंगा कि तने मेरे सपने का नाश कर दिया। तो सपना बूझना और मैं बताऊंगा किस तरह से। सपने का जिक्र करूं, होया सपने में मोटा चाड़ा, खंडेराम परी के संग में रात बनया तब ले आड़ा। के सपने का जिक्र करूं, होया सपने में मोटा चाड़ा, खंडेराम परी के संग में रात बनया तब ले आड़ा। लागी छुम छुम छम छम करती जा, तब लेके मन शब्द बजा दिए टिक टिक किन किन धा धा धा। सारे गमा पाधा निशा, सानी गमा रे मा पा, सारी में फिल करती सराहना, वाह भई वाह भई वाह भई वाह। एक इनामी मिली अंगूठी रे, एक इनामी मिली अंगूठी, एक मिली मोहन माला, खंडेराम परी के रसंग में रात बनया तब ले आड़ा। मर जानी ने दई मने, या गुठी ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी ने दई मने, या माला श्री इंद्र जी की इंद्राणी ने दई मने, या गीता श्री कृष्ण जी की रुक्मणी ने दई मने। उस पार्वती ने दई भभूती रे, पार्वती ने दई भभूती, शिव जी ने दई मृग छाला, खंडेराम परी के रसंग में रात बनया तब ले आड़ा। Thank you.
मन मत जाने री साविसा मन मत जाने मैं चौधे विद्या जानू सू नृत्य कला और बिरज घुमा दूं चढ़ के तरंग पिछाणू सू सूल सूख पकवान बना दूं छेओ रंग पिछाणू सू मलखड़ी में कुश्ती जीतू रण में शस्त्र ताणू सू मन चौधे विद्या पास करी री चौधे विद्या पास करी आज पंद्रवी का से पारा खंडे राब परी के रसंग में रात बना तबले आड़ा आखिर में जब खंडेराम परी ने पूछा अग थारा मकान रहन सहन कहाँ है कैसे बेरा चल लगा तो न्यू बताने लगा दुनिया जाने है इंदर काते पोता सुई इंदर काते पोता सू और गंधर्व सेन पिता मेरा बड़ा भाई भूप भरतरी राज काज का सेहरा मैं ना बनती बहन मेरी से सारी दुनिया ने बेरा वीर विक्रमा जीत नाम को जैन नगर में घर मेरा मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद हो मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद दुनिया का देखा भाड़ा खंडे राव परी के संग में रात बना तब ले आला के सपने का जिक्र करूं आज सपने में मोटा चाला खंडे राव परी के संग में रात बना तबले आला।